नमस्कार, आप सबका आज जन्मदिन में स्वागत करता हूँ। पिछले 1.5 महीने से आप लोग को बार बार बताते चला आ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने काम में धीरे धीरे लगा हुआ है। आयोग की मंशा है कि आपका कोई एक एग्ज़ाम दिसंबर में करवा लिया जाए। इस बात को मैंने अपने लगभग हर वीडियो में बताया था। जिस भी वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में बात किया था, मैंने आपसे कहा था कि आयोग की मंशा है कि ये एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में करा ले, और ये भी बताया था कि हो सकता है कि ये एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी के बाद जाए। कब? जब आयोग सेंटर इलाहाबाद नहीं बनाएगा। मैंने आपसे बार बार कहा था कि आयोग की मंशा है कि इलाहाबाद में सेंटर नहीं बनाया जाए और इस परीक्षा को कम से कम कोई एक परीक्षा दिसंबर में करा ली जाए। तो अभी एक सूचना, जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से जो डीएम कार्यालय को जाता है सेंटर अलॉटमेंट के लिए, वो आया है। इस बात की पुष्टि कल तक या कल शाम तक भी हो जाएगी। और आप लोग मान के चलिए कि यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर के अंतिम या जनवरी के प्रथम सप्ताह में हो जाएगा। तो आप लोग अगर परीक्षा के लिए ढिलाई बरत रहे थे तो अब तैयार हो जाइए। सारी परीक्षाओं का कैलेंडर, एक संभावित कैलेंडर मैं अभी यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। 15 से 20 दिन या हो सकता महीने भर आगे पीछे होगा। तो जो बंधु, जो भाई बहन ढीले पड़ गए थे, सब कुछ हमारे यहाँ अवेलेबल है। पूरी कक्षाएँ चल रही हैं। बार बार आपसे कह रहे थे, हम 3 महीने पहले ही हमने सूचित किया था कि कक्षाएँ अगर हम चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इन्फॉर्मेशन है कि एग्ज़ाम आपका 3 महीने 2 महीने में होगा। इस नोटिस को हम लोग देख लेते हैं। ये आज 13 तारीख की नोटिस है। अभी मैं पूरी तरह से इस नोटिस की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% सत्यता यही है, ये नोटिस सही है। कल मैं आपको दिन में कंफर्मेशन के साथ एक न्यूज़ दूंगा और एक मैं संभावित कैलेंडर भी अभी यहां आपको बताने वाला हूं। ये देखिए, एक नोटिस है जहां पे हरदोई के ज़िले में सेंटर बनाने की मांग की गई है, और इसमें क्या बात तो निकल के आ रही है उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो प्रवक्ता के लिए परीक्षा होनी है, पदों पर चयन होती माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह, यानी कि लास्ट दिसंबर से लेकर के जनवरी के द्वितीय सप्ताह में। इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा इसके लिए थोड़ा इस नोटिस को जब मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पे मुझे थोड़ा करेक्शन चला, तो इसीलिए मुझे थोड़ा डाउट हुआ इसमें, लेकिन 2-3 लोग से बात करने के बाद पता चला कि नोटिस सही है। इसकी पुष्टि भी मैं कल कर दूंगा। अभी बस आप लोग इतना समझ के चलिए कि जब धुआं उड़ता है तो आग लगी होती है। अभी क्या हो रहा है, आपको पता है कि आयोग पे, यूपीपीएससी आयोग पे धरना चल रहा है। उस धरने के चक्कर में सभी आयोगों पे दबाव आ गया है, वो चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे यूपी हो, चाहे प्रदेश के जो भी आयोग एग्ज़ाम कराने वाले हैं, सब पे दबाव है। तो इस दबाव का आपको फ़ायदा मिला है। हमारी टीम, एचएन अध्ययन की पूरी टीम कल से ही ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, उन विद्यार्थियों के साथ है जो शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांग को रख रहे हैं। शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग भी अपनी मांग को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। माननीय योगी जी और जितने भी आपके प्रदेश के लोग हैं या प्रदेश के जो मंत्रालय में लोग हैं, उनसे अनुरोध है कि बच्चों की सुने और परीक्षाओं को अतिशीघ्र कराएं। इसी बीच में जो ये लेटर आपका वायरल हो रहा है, उसमें यही है कि आपकी पीजीटी की जो परीक्षा है वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के जनवरी के प्रथम वीक तक संभावित है। अब आपको करना क्या है? अब आपके पास, मैंने कहा था ना कि जिस दिन नोटिस आएगा आपको 1 महीने से भी कम का समय मिलेगा। जो भाई बहन हमारे बैच में जुड़ के तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत स्मार्टली तरीके से पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चे जो थे, लेकिन अब क्या होगा, बहुत लोग जल्दीबाजी में भागेंगे, कूदेंगे, समझेंगे क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। आपके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा है। बाकी हमारे बैचेस चल रहे हैं, बैचेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी यूपी पीजीटी, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा एप्लीकेशन आप एचएन अध्ययन खोलेंगे, उसके टीजीटी पीजीटी वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे हिंदी पीजीटी का एक बैच मिलेगा। अगर आपका विषय हिंदी है
तो आपको ये बैच हिंदी का मिलेगा। आप चाहें तो हिंदी का ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में है, सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए इसकी प्राइस कम रखी गई है, बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, इसलिए आप जल्द से जल्द इस बैच में एनरोल हो जाइए। इसमें PGT का जो भी सिलेबस है कंप्लीट पूरी सिलेबस के साथ तैयारी कराई जाएगी। डॉक्टर अंतिमा मैम और टीम आपको पढ़ा रही है, सिलेक्टेड और अनुभवी लोग आपको पढ़ा रहे हैं, पूरी क्लास, कक्षा, नोट्स, संस्कृत का जो पोर्शन इसमें लगा हुआ है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग चाहें तो PGT के इस बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बता देता हूँ कि आपको पता है कि UPSC में GS का पोर्शन आता है। UPSC में GS की पोर्शन जो आता है वो चाहे आपका विषय जो हो आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं। तो हमारा UPSC का उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये GS का बैच है। हमारे पास दो बैचेस हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ UPSC का एग्ज़ाम देना है तो ये वाला बैच लीजिएगा, जिसमें आपको टीचिंग, रिसर्च, ICT के जो एक्स्ट्रा टॉपिक लगे होते हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं। लगभग 115 के लेक्चर के आसपास इसमें आपको मिलेगा, क्लास मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगा, कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, एक बार में पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो हमारा ये GS का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब सिर्फ समय नहीं है, 1.5-2 महीने में आपका पेपर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी होने वाला है। बाकी जो लोग हिंदी साहित्य असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कल्याण बैच। कल ही ये बैच लॉन्च हुआ है, कुछ टॉपिक इसमें डाल दिए गए हैं पहले से ही, बाकी क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन हिंदी साहित्य वाले बच्चे ये बैच ज्वाइन कर लें। कंप्लीट आपको जानकारी जो है वो हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आपको सारे बैचेस कॉम्बो में चाहिए, आपको लगता है कि आपको PGT भी देना है, आपको हायर भी देना है, अन्य एग्जाम देना है, तो हिंदी साहित्य का ये प्रीमियम वाला बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको UPSC, UPGDC, हरियाणा, UPPGT, UGC नेट सभी एग्जाम की बैच एक ही साथ क्लब करके मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको जो हमारा GS का बैच पोर्शन है वो भी इसमें मिल जाएगा, तो आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट होगा जिसका विषय हिंदी है वो हिंदी का ये प्रीमियम बैच ले ले, उसको हरियाणा, UPPGT, हिंदी साहित्य सारे बैच, GS भी मिल जाएगा। फिर मैं एक संभावित कैलेंडर पे जो चर्चा करने वाला हूँ उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आपका जो संभावित कैलेंडर है वो क्या हो सकता है। एक बात समझ के चलिए कि अब आपके पास समय नहीं है, अब आपके पास समय नहीं बचा है आप अपने समय को खराब कर सकें, इसलिए अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं खुद से पढ़िए, हमारा बैच ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं हमारा बैच ज्वाइन करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए, आपके पास समय नहीं है। मैंने पहले ही आपसे कह रखा था कि बहुत ही जल्दी सब कुछ होने वाला है। तो एक संभावित मैं कैलेंडर की बात अगर कर लूँ, तो आपका जो PGT वाला एग्ज़ाम है वो दिसंबर के लास्ट लेकर के जनवरी में हो सकता है, TGT भी आपका जनवरी से फरवरी में हो सकता है, ठीक है, और आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो फरवरी मार्च में हो सकता है। तो मोटा मोटा देख लीजिए कितना समय आपके पास बचा हुआ है, इसी में आप 15-20 दिन ऊपर नीचे कर लीजिएगा। 10 बार आपसे बताया गया था कि तैयारी करते रहिए, नहीं तो अचानक से कैलेंडर आएगा, आपके पास समय नहीं रहेगा। कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट में बताइए, और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे 9450403952 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन HNSN डाउनलोड करिए, बैचेस को चाहें तो बाय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।